तो सबसे पहले मैं इस ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम करना चाहूंगा अक्षय जी, और मैं थैंक्स करना थैंक चाहूंगा कि आपने मुझे डेमो क्लास देने का मौका दिया और हमने चूज किया। और जैसा कि ये सॉफ्टवेयर गो जूम ऐप जिसके जरिए आपने ज्वाइन किया है, ये जूम ऐप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन को लाइव आपके कंप्यूटर पे टेलीकास्ट कर रही है और हेडफोन के हाँ जरिए हम आपस में कनेक्ट है, बातचीत कर रहे हैं। और इसको आप अपने हाँ सेलफोन पे, अपने टैबलेट पे, अपने सिस्टम पे इसको यूज कर सकते हैं, किसी प्लेटफॉर्म में। बस ओके रिक्वायर है एक हेडफोन की, इसमें माइक और स्पीकर दोनों हो, और दूसरा इंटरनेट कनेक्शन जिसकी स्पीड ठीक ठाक हो, हाँ तो आप हमारी क्लास को ले सकते हैं। तो जो भी ओके स्क्रीन पे ओके मैं करूंगा लाइव, अभी जो आप देख रहे हैं मेरा डेस्कटॉप देख रहे हैं, मैं अपनी स्क्रीन पे कुछ भी मूवमेंट करूंगा लाइव वहां पे दिखेगा, जैसे फॉर्मूला वगैरह कुछ भी लगाया लाइव आपको वहां पे दिखेगा, और मैं जो भी हाँ एक्सप्लेन करूंगा आप लाइव सुनेंगे। जस्ट लाइक आपका क्लासरूम ट्रेनिंग की तरह है, आप किसी क्लासरूम में आप जाते हैं तो आपको जो है प्रोजेक्टर के थ्रू अपने सिस्टम को प्रोजेक्ट करना करके बताया जाएगा। क्या जो ट्रेनर हाँ होगा वो प्रोजेक्टर के थ्रू आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को प्रोजेक्ट करेगा और एक्सप्लेन करेगा। सेम मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को आपके सेलफोन पे, आपके टैबलेट पे, आपके पीसी पे मैं टेलीकास्ट करूंगा और लाइव हमारी बातचीत। अब हम सबसे पहले बेनिफिट जानेंगे इस ऑनलाइन क्लास की, हमारी बेनिफिट क्या है। सबसे पहला बेनिफिट है कि ये आप अपने घर से बैठ के अपने पैलेस पे अपने सुविधा से ट्रेनिंग ले रहे हो। टाइम अभी मैं अभी 8 8:30 बजने वाले हैं, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और इस समय हाँ मोस्टली इंस्टीट्यूट बंद होते हैं सर। हाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से वो सुबह 8 9 बजे खुलता है और शाम को 7 8 बजे बंद हो जाते हैं, और इस बीच में आप हाँ ऑफिस में रहते हैं। अब ट्रेनिंग लेने के लिए ऑफिस तो नहीं छोड़ सकते, सही तो हमारी ट्रेनिंग रात के 11 बजे तक चलती है, सुबह 5 बजे से स्टार्ट होता है, वीकेंड से भी ऑल्सो चलता है, सैटरडे संडे की स्टार्ट होती है क्लासेस हमारी। मंडे टू फ्राइडे बैच है, वीकेंड बैच भी है। पूरी कोर्स ना करना चाहो, सम टॉपिक जैसे मान लो आपको वी लुकअप भी पढ़ना है, आपको मान लो कुछ बच्चों को पिवट पढ़ना होता है, तो जो किसी को कस्टमाइज टॉपिक पढ़ना है तो वो भी हम इंडिविजुअल क्लास दे देते हैं। ओके किसी को पूरा को एक्सपर्ट बनना है, पूरी कोर्स करना है तो पूरी कोर्स ले सकते हैं। और हमारा एक और खासियत है स्मॉल साइज बैच। अब किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे तो जहां तक मेरा अनुमान है कि 15 20 बच्चे तो एक बैच में होते ही होते हैं, वहां पे आप खुल के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर में 1 से 1.5 घंटे का क्लास होता है। अब मान सही लीजिए कि 15 बच्चे हैं और 15 बच्चों ने सबने मिलके अगर आपके ऑफिस की एक एक क्वेश्चन पूछ दिया और एक ऑफिशियल क्वेश्चन को हाँ सॉल्व करने में 5 मिनट लग गया, तो लग रहा है कि फिर क्लास के लिए समय बचेगा। नहीं लेकिन हमारे बैच में क्या है कि 3 से 5 बच्चे होते हैं, 5 बच्चे एवरेज है हमारा, 3 से 5 बच्चा, हो सकता है कोई बैच में 6 7 भी हो जाए, 20 20 बैच में हम अकेला एक ही को पढ़ाता हूँ, ये एवरेज मैंने बताया आपको। ओके लेकिन स्मॉल साइज बैच होने का फायदा क्या होता है कि आप अपने ऑफिस में जो भी प्रॉब्लम को फेस करते हो वो प्रॉब्लम हम आपको सॉल्व करके देते हैं लाइव। ओके तो आपके ऑफिस में जो प्रॉब्लम होती है, एक तो टेलीफोनिक सपोर्ट है हमारा कि आप हमारी हाँ आपको प्रॉब्लम हुई आप मेरा नंबर डायल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, उसी से मुझसे प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। लेकिन कभी भी क्या होता है कि प्रॉब्लम बड़ी होती है, फोन पे व्हाट्सएप पे नहीं समझाया जा सकता, तो उसको आप क्लास में, हाँ क्लास में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपकी प्रॉब्लम पिवट टेबल से है, आपकी जो ऑफिस की प्रॉब्लम है वो पिवट टेबल से सॉल्व की जा सकती है, राइट। अब मुझे ओके पिवट टेबल पढ़ाना है तो मैं आपके ऑफिस एग्जाम्पल को ही एज ए क्लास टॉपिक बना दूंगा, क्योंकि तो हमें कोई ना कोई कोई ना कोई एग्जाम्पल तो लेना ही होगा ना सर, क्यों ना अभी का लाइव एग्जाम्पल ले। हाँ तो आपके ऑफिशियल एनवायरनमेंट, आपके ऑफिशियल प्रॉब्लम पे पूरी सपोर्ट होगी, पहले चीज ये बेनिफिट है आपका। दूसरा, हाँ ट्रेनिंग सेंटर में क्या होता है कि बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर, बहुत ही शायद ही कम ट्रेनिंग सेंटर है जहां पे वर्किंग प्रोफेशनल पढ़ाते हैं, बाकी सारे ट्रेनिंग सेंटर जो है उसमें जो ट्रेनर होते हैं जो उसी ट्रेनिंग सेंटर से सीखे हुए होते हैं और उसी में ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, तो उनके पास ऑफिशियल एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत होती है। ऐसा नहीं कहता कि सर सारे ट्रेनर ऐसे ही है, ये कहना उचित नहीं होगा, लेकिन मोस्टली मैंने देखा हुआ है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़े बड़े
क्योंकि मैंने भी जब सीखने के समय 2002 और 3 में बड़े धक्के खाए हैं सर, बड़े पैसा वेस्ट किया है, बहुत धक्के खाए हैं, लेकिन वो चीज सीखने को नहीं मिली जो मैं चाहता था, क्योंकि वो चीज वही बता रहा था जो मुझे ऑलरेडी आता था बेसिक रिक्वायरमेंट, लेकिन मुझे करना था अपने ऑफिस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते थे। तो मैं मेरे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 13 साल से वर्किंग 13 ईयर, फिलहाल मैं 2 साल से जॉब छोड़ चुका हूं, और जॉब छोड़ के मैं फ्रीलांसिंग करता हूं रिपोर्ट कंसल्टेंट। मैं ट्रेनिंग के साथ साथ रिपोर्ट कंसल्टेंट है, जिसमें मेरे पास तकरीबन 50 के आसपास कंपनीज है जिनके क्रिटिकल रिपोर्ट्स को मैं ऑटोमेट करता हूं। उसके अलावा मैं चैनल चलाता हूं, मैंने तकरीबन 2000 से ऊपर 2200 समथिंग वीडियोज अपलोड किए हुए हैं, और डेली बेसिस पे 5-10 अपलोड होते रहता है, तो चार सालों में आंकड़ा जो है 10,000 तक पहुंच जाएगा सर। तो उसमें क्या होता है कि वहां पे जो प्रोफेशनल्स अपने क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको जो एग्जांपल मिलते हैं ना सर, ऐसा लगेगा कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है। तो मैं सिर्फ आप एक्सेल नहीं बनाऊंगा, मैं अपने तकरीबन 15 साल का जो एक्सपीरियंस है, 13 साल वर्किंग और 2 साल एज ए रिपोर्ट कंसल्टेंट, और 7 साल हमारा ये है ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग का जॉब तो साथ चल रहा था, मैं 2 साल से जब रिपोर्ट कंसल्टेंसी काम स्टार्ट किया तो जॉब क्विट कर दिया था। ओके। और मैंने लगभग डिफरेंट हर मोस्टली डिपार्टमेंट में काम किया है, मैं फाइनेंस में भी काम किया है, मैं एचआर में भी काम किया है, मैंने अकाउंट में भी काम किया है, मैं कलेक्शन में भी काम किया है, मैं आपको ट्रेवलिंग में भी काम किया हूँ, तो तकरीबन जो है 8-10 कंपनियों में काम किया हूँ, तो सर अच्छा खासा नॉलेज है जो कि मैं आपको संतुष्ट कर सकता हूँ। ओके, तो अब बात करते हैं कि आप सीखना क्यों आपको सीखना क्या है और क्यों सीखना है, दो चीज आप मुझे बताएं। मुझे जैसे कि एडवांस एक्सेल मोस्टली मैक्रोज वगैरह वो चीजें, और VBA प्रोग्रामिंग सीखनी है। पर्पस क्या सीखने का, सीख के क्या करना चाहते हैं? सीखने का पर्पस ये है कि रिपोर्ट जो है, मींस मैनुअल रिपोर्ट हम जनरेट करते हैं एक्सेल की, तो उसको उसमें ऑटोमेशन करना है। मैनुअली तो जनरेट हो ही रहे हैं, तो अगर वही पहले से है आपके पास? हाँ, बेसिक और एडवांस के थोड़े फॉर्मेट, मींस वी लुकअप वगैरह। तो आप जीओ टेबल कैसा बनाते हैं सीखना चाहते हैं कि एक्सेल और वीवीए दोनों सीखना चाहते हैं? बेसिक एक्सेल मुझे आता है, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग वोल्टेज एनालिसिस, क्योंकि मैं हर टॉपिक को बेसिक टू एडवांस पढ़ाता हूं सर। ओके, तो एक्सेल एंड वीवीए प्रोग्रामिंग दोनों। ओके, एक्सेल मेरा दोनों से सीखना चाहते हैं? लेकिन होता क्या है कि अगर आप एक्सेल को ले रहे हैं तो मैं बेसिक और एडवांस दोनों कवर करूंगा। ऐसा इसलिए कि मुझे पता है कि आपको बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन क्या क्या पता है और क्या क्या नहीं पता है इसकी आइडिया तो मुझे नहीं है सर। और पता है तो किस लेवल पे पता है, बेसिक पता है, एडवांस पता है, इंटरमीडिएट पता है? सही है। तो मैं अगर एक्सेल को लूंगा तो पूरा लूंगा सर, आधा अधूरा नहीं लूंगा। ठीक है ना? तो क्योंकि और एक और बेनिफिट है आपकी, क्योंकि एक्सेल वीवीए सीखने के लिए आपको एक्सेल पे अच्छा कमाल होना चाहिए। वैसा मैं इसलिए कर रहा हूँ, इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि मान लीजिए कि आपके एक मिनट में एक डेटा, एक छोटा सा डेटा यहाँ बनाता हूँ, मान लीजिए मुझको इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है ना? तो सिलेक्ट करने के लिए नॉर्मल हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं ना? हाँ, बट कंट्रोल ए जो हम करते हैं, कंट्रोल ए तो शॉर्टकट ना, ये तो शॉर्टकट है ना सर? ओके, क्या? क्योंकि वीवीए प्रोग्रामिंग में तुम्हें लिखना पड़ेगा ना, मतलब मान लो एरिया सिलेक्ट कर रहा हूँ ए, तो एरिया के लिए हम लिखेंगे कि रेंज ए से D13.select। लेकिन मुझे ओवरऑल सिलेक्ट करना है कंट्रोल ए, तो उसके लिए बताना पड़ेगा ना कि क्या सिलेक्शन है। क्या? हाँ, सही। तो इसकी क्या होता है, किससे इसका ऑप्शन, क्योंकि शॉर्टकट जो कंट्रोल ए है उसका करेंगे ऑप्शन होगा, जैसे कंट्रोल सी का कॉपी है तो मेनू बार में यहाँ कॉपी है आपके पास,
पेज के लिए पेस्ट है, तो हर शॉर्टकट का एक ऑप्शन होता है ना, तो कंट्रोल एक ऑप्शन क्या है एज इन प्रोग्राम के लिए? हाँ, प्रोग्रामिंग में लिखना पड़ेगा ना, पर लिखने से लिए पहले पता होना चाहिए आपको कि इस ऑप्शन क्या है, किस कमांड को कंट्रोल है। बराबर बराबर, क्या ये भी तो जरूरी है सर, कोडिंग तो बाद में हम देखेंगे, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कोडिंग किस ऑप्शन का करना है। हाँ हाँ, तो एक होता है, पता है सर आपको ये चीज? हाँ, कोडिंग के लिए लिखना लिखना पड़ेगा ना पूरा, जैसा आप बोल रहे हैं। नहीं, कोडिंग भूल जाइए अभी, मैं बोला इसका ऑप्शन क्या, मान लो शॉर्टकट से कंट्रोल ए नहीं करना है, तो ऑप्शन किस माउस से कैसे करेंगे? माउस से सीधा सिलेक्ट करके जो भी रेंज है वो रेंज पे माउस माउस का कर्सर लेके ले जाएगा। मैनुअल सिलेक्शन हो गया ना सर, डायनामिक सिलेक्शन कैसे करेंगे? नहीं, डायनामिक कंट्रोल ए तो डायनामिक होता है ना, कि एक बार क्लिक दबाया हो गया, माउस ये तो मैनुअल हो गया ना सर। हाँ, हाँ. यही चीज मैं बता रहा था सर, इसी बता नहीं रहेंगे तो कोड कैसे करेंगे। ऐसे मैं बता देता हूँ, ये होता है आपका फाइनेंस लैक गो टू स्पेशल करेंट रीजन, सिंपल सी चीज है सर। कंट्रोल ए आप जो है दिन में 10 बार करते होंगे, उससे भी ज्यादा, क्या करते होंगे ना सर? ऑल सिलेक्शन तो कई बार यूज करते होंगे, लेकिन कभी आपने जानने की कोशिश नहीं की ऑल सिलेक्शन का ऑप्शन नेम क्या है, करंट रीजन। करंट रीजन उसी तरह से आपको फिल्म में है बहुत सारे चीज, जैसे जस्टिफाई हो गया, सीरीज हो गया, उसी तरह से आपको फॉन्ट अप्लाई करना है बोल्ड, तो बोल्ड फॉन्ट का पार्ट होता है, हमें लिखने के लिए रेंज डॉट बोल्ड डॉट ड्रू करना होगा, और बोल्ड यही पता होना चाहिए कि बोल्ड से अप्लाई भी होता है डिसअप्लाई भी होता है, फॉल्स लगेगा बीवीए में, ये सब नियम है, तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए सर। तो मैं बस यही एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर आपको एक्सेल की नॉलेज ठीक ठाक है तो वीवीए आसानी से सीख जाएंगे और आपको अच्छे लेवल पर सीखने को मिलेगा। ठीक है अच्छा जी, ओके ओके, हाँ हाँ ठीक। तो आप टाइमिंग कौन सा चाहिए आपको? मींस मोस्टली वीकेंड पे, और अगर मैं कल एक बैच स्टार्ट किया था रात के 9 बजे, ओके, अभी आधे घंटे में स्टार्ट होगा, 9 से 9:45 मिनट हर दिन टेबल है। हाँ, ठीक है, चलेंगे। 9 बजे स्टार्ट होगा रात के, तो 9 बजे तो आप ऑफिस से घर आ ही जाते होंगे। हाँ हाँ सही है, आ जाते हैं। तो आज से ज्वाइन कर लीजिए, 2-3 क्लास लेके देखिए, अच्छा लगा तो एनरोल कीजिएगा, फीस तो सबसे पता ही आपको। हाँ, जो आपने वो शेयर किया था। अच्छा, मुझे एक और चीज पता करनी थी, एडवांस एक्सेल प्लस वीबीए प्रोग्रामिंग और रिपोर्ट ऑटोमेशन के लिए ये दोनों चीजें हो जाएंगी या आपका उसके रिपोर्ट ऑटोमेशन वीबीए के साथ इंक्लूड है? इंक्लूड है ना, ओके ओके। और ये पूरी की पूरी कोर्स है एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग फॉर एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन। ओके ओके, तो इसके साथ में ऑनलाइन क्लासेस के साथ और क्या चीजें मिलेगी? देखिए, ऑनलाइन क्लास में मिलेगा आपको, सबसे पहले हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी पहली, दूसरी आपको उसके डेली बेसिस पे फाइल एंड नोट्स मिलेंगे, आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। हाँ। और उसके बाद जो है आपको इसमें फ्री रीज्वाइनिंग का ऑप्शन है कि आपको अगर मान लो एक बार में नहीं सीख पाए या सीखने के 6 या 7 महीने बाद आप भूल गए, तो यू कैन रीज्वाइन कोर्स। ओके ओके, ठीक है। हाँ, और कुछ पूछना है? और तो कुछ नहीं है। अच्छा, एक बार आप टोटल फीस बोल दो ना इन दोनों की, कितनी होगी? 15,000 रुपीज एक्सेल वीवी एक्सेस प्लस फॉर एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन, इसमें टैबलू या पावर भी नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। नहीं, ओके ओके, पूरा आएगा। और एक चीज आपके मैंने इस पे भी देखी थी, पेन ड्राइव जो होता है, अगर वो पेन ड्राइव है,
ये सारा चीज 4000 में आती है पीडीएफ में। अच्छा लेको किसी एक बैच की रिकॉर्डिंग होगा, तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन जो है मैं, अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो ये आपके लिए सुटेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग वो लोग यूज करते हैं जो उनको पहले से एक्सपर्ट है, थोड़ी बहुत अपने आपको शार्प करना है, या फिर उनको किसी को थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए, या फिर जो दिक्कत होगी इससे देख के पूरा कर लेंगे, उन लोगों के लिए है सर। ओके ओके, तो इसमें मींस पूरा कवर नहीं है क्या? एक कवर तो पूरा है सर, एक पूरी बैच की रिकॉर्डिंग है, बट क्या ना सर, ग्रुप अगर ज्ञान नहीं होता है, एक कहावत सुना होगा ना सर? हाँ, तो वही कहावत लागू होता है सर। पढ़ने को अगर मान लीजिए कि हम वीडियो बुक से पढ़ ले, तो इतने सारे ट्रेनिंग सेंटर्स, इतने सारे टीचर्स, सब तो बेरोजगार हो जाएंगे ना सर। सही, इतने सारे प्रोफेसर, स्कूल टीचर्स, बुक से ही पढ़ लेगा आदमी। तो इसलिए गुरु बने ज्ञान नहीं होता है। मैं हालांकि मुझे पेन ड्राइव बेचना है तो मैं बोल दूंगा अच्छा 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 ले लो ले लो ले लो ले लो, लेकिन मुझे पता है लेने के बाद आप मुझे फोन करेंगे सर और सीसी एक्सपर्ट लेवल में जाना है। क्योंकि होता है क्या, देखिए इसमें पेन ड्राइव खराब नहीं है सर, मैंने बोला हूँ पेन ड्राइव खराब है, पेन ड्राइव इज ऑल्सो गुड। पेन ड्राइव उनके लिए है जिनके जिनके पास ऑलरेडी अच्छी नॉलेज है, ठीक है। दूसरी उनके पास टाइम नहीं है इसलिए वो नहीं देखना चाहते और जल्दी सीखना है पहले चीज। लेकिन वो लेवल तो उनको नहीं मिलेगा ना, जैसे आप जो है डेली बेसिस में हमसे क्लास लेंगे। अब मान लीजिए कि पेन ड्राइव में मैंने एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन बताया, तो एक तरीके से बताया, उसी तरीके को आपको समझना है। आप समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो फिर दिक्कत है। लेकिन अगर नहीं समझे तो, अगर लाइव क्लास में है नहीं समझे तो हम उसको दूसरे तरीके से समझाएंगे। हर बच्चे का दिमाग अलग अलग होता है ना सर। दूसरी चीज, उसको आप प्रैक्टिस करते समय जो प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन तो नहीं दे पाएगा पेन ड्राइव, लेकिन लाइव क्लास में ले सकते हैं सॉल्यूशन। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो पेन ड्राइव भी ले सकते हो, लेके सीख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो सीख जाएंगे। ठीक है ठीक है। पेन ड्राइव से भी हमारे तकरीबन 17,000 से ऊपर पेन ड्राइव बिके हैं। ओके, कोई कंप्लेन नहीं अभी तक पेन ड्राइव।